हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं मिसेस अनु रॉय एक बार आपका फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के छत्तीसगढ़ी के इस वीडियो के लिए वेलकम करती हूँ। बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ी पीएससी के मेंस में और प्री में आने वाले प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका समास। पहले जब मेंस में हुआ करता था हमारे लिए संस्कृत, तो संस्कृत में यह जो टॉपिक है वो 8 नंबर के वेटेज रखा करता था। हिंदी में यह 2 नंबर का हुआ करता था, और छत्तीसगढ़ी में भी 2 नंबर। कुल मिलाकर 12 नंबर के जो संख्या थी वह इसी समास से पूछा जाता था। आज हम छत्तीसगढ़ी में समास के बारे में जानेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा आपको हिंदी की वीडियो में इसके बहुत अच्छे से जानकारी जो है वो दे दी गई है, लेकिन आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ी के माध्यम से इस समास के बारे में जानेंगे कि समास होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं कि समास क्या है। समास अर्थात कि इंग्लिश में इसे कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। ठीक है, समस्त पद या समासिक पद में प्रयोग होने वाले शब्द पद क्यों होते हैं कि जब तक स्वर और व्यंजन से मिलकर बना हुआ शब्द किसी संग्रह के भीतर है तब तक वो कहलाते हैं शब्द। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि गरुआ। ठीक है, अगर हम देखें तो ये एनिमल्स की कैटेगरी में होते हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स, इसी प्रकार फ्लावर्स नेम होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कि वे शब्द जो किसी डिक्शनरी के अंदर हैं तब तक वो शब्द है, लेकिन डिक्शनरी से बाहर आ जाते हैं तब वो पद बन जाते हैं। नाम के अनुसार संज्ञा पद हो जाता है, बदले में आने वाला सर्वनामिक शब्द पद बन जाता है, संख्या बताने वाला वचन हो जाता है, विशेषता बताने वाला विशेषण, करने वाली क्रिया, करने वाले लोगों की पहचान लिंग हो जाती है, और करने के समय का सूचक काल हो जाता है। तो अगर हम किसी शब्द को कोश से या डिक्शनरी से बाहर ले आते हैं, जैसे कि गरुआ, ठीक है, और इसी तरह यदि हम ले आते हैं एक शब्द विशेष कोठा, और ये क्या बन गया, गरुआ कोठा। अब अगर हम इसको देखें तो गाय के लिए जो होता है, जहाँ गाय को रखा जाता है, छत्तीसगढ़ी में गरुआ कोठा कहते हैं। ठीक है, कोठा मतलब कक्ष होता है, गरुआ मतलब जानवर होता है। ठीक है, तो गरुआ बर कोठा अगर कहता है, तो जिस तरह हिंदी में अगर हम नील कमल कहते हैं, नीले रंग का कमल, अर्थात यहाँ 4 शब्द हैं और 4 शब्दों को मिलाकर हमने उसे संक्षेपित कर दिया। ठीक है, तो समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को हम समस्त पद या हम उसे समासिक पद कहते हैं। समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। इस सिचुएशन में जब हम किसी शब्द को पहले प्रयोग कर रहे हैं तो पहले प्रयोग होने वाले शब्द पद को पूर्व या हम उसे प्रथम शब्द पद कहते हैं। ठीक है, और ऐसा शब्द जो बाद में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि ये, इसे हम पर पद कहते हैं। ठीक है, तो आगे समझ में कि समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। पहले प्रयोग किए जाने वाला शब्द पद को पूर्व पद या प्रथम शब्द पद कहा जाता है, और बाद में आने वाले शब्द पद को पर पद कहा जाता है। और इस तरह जब हम पूर्व पद और पर पद को मिलाते हैं और शब्दों का हम करते हैं संक्षेपीकरण, तो शब्दों के संक्षेपीकरण की एक प्रक्रिया होती है, तो शब्दों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया कहलाती है हमारे लिए समास। ठीक है, तो साहित्यिक परिभाषा क्या कहती है कि दो या दो से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो बनने वाले शब्द पद को समस्त पद या समासिक पद कहा जाता है। दूसरी परिभाषा कहती है शब्द पदों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास कितने प्रकार के हैं, समास के प्रकार या समास के भेद की बात करें तो इसका एक बड़ा आसान सा सूत्र है, जिसमें है अब तक दादा।
ठीक है। अ से बना हमारे लिए अव्ययी भाव समास, ठीक है। ब से बना हमारे लिए बहुव्रीही समास, ठीक है। त से बना तत्पुरुष समास, इसी तरह क से बना कर्म धारे समास, द से बना द्वंद्व समास और एक द से बना द्विगु समास। कुल मिलाकर हमारे लिए समास कितने हो गए? 6 हो गए। मतलब कि यहाँ पर समास 6 प्रकार के हैं, अव्ययी भाव, बहुव्रीही, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु समास। तो समास क्या है? जिस शब्द पद में शब्दों का संक्षेपीकरण किया जाए और संक्षेपीकरण की प्रक्रिया कहलाती है समास। समास की कुछ विशेषताएं होती हैं कि समास में कम से कम 2 या उससे अधिक पद का होना जरूरी है। पहले पद जो प्रयोग किए जा रहे हैं पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर या पर पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया जब की जाती है तो इसके मध्य विभक्तियों का लोप हो जाता है जो उनको जोड़ने का काम करते हैं। समास होने पर जहाँ तक हो कभी कभी संधि के नियम की तरह शब्दों में भी संधि जो है वो हो जाती है और इस तरह देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक शब्द पद मिलकर जब एक नया शब्द पद बनाते हैं तो उसे समास कहा जाता है और शब्द पदों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं अव्ययी भाव समास को। अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। अब आपका दिमाग कहता है कि अविकारी शब्द क्या होते हैं? कि ऐसे शब्द जिसके प्रयोग के समय वचन और लिंग के अनुसार उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई रूपांतर या कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। तो सबसे पहला हम लेते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। कि जिस समास में पहला शब्द पद अव्यय प्रधान हो, जिस समास का पहला शब्द पद अव्यय प्रधान हो वहाँ होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसकी भी हिंदी की तरह पहचान है कि जिस शब्द का प्रथम या पूर्व का शब्द पद, जिस समास का प्रथम या पूर्व का शब्द पद या तो अव्यय से बना हो, ठीक है, जिस समास का प्रथम या पूर्व शब्द अव्यय से बना हो, दूसरा इस अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो एक योजक को जोड़ने के साथ, तीसरा जिस समास में पहला शब्द उपसर्ग से बना हो, जिस समास का पहला या पूर्व शब्द उपसर्ग से निर्मित, उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द हो, ठीक है। तो साहित्यिक परिभाषा के अनुसार यदि हम कहें तो परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का पूर्व या प्रथम शब्द पद अव्यय प्रधान हो वहाँ होता है अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान है कि जिस समास का पहला शब्द अव्यय से बना हो, जिस समास में अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति एक योजक चिन्ह के साथ में हो या उपसर्ग से बना हुआ एक वो अविकारी शब्द हो। अब चूंकि हिंदी के ही एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ी में लिए जाएंगे क्योंकि संस्कृत से समास और संधि आई हिंदी में और हिंदी से संधि और समास आया छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अव्यय से बना हुआ शब्द देखेंगे जैसे कि जथा शक्ति, जैसे कि जथा भक्ति, ठीक है, जैसे कि जथा विधि। हिंदी में यह जो है यथाशक्ति, यथा भक्ति और यथा विधि के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ी में जो यह है वो ज में बदल जाते हैं, इसलिए जथाशक्ति, जथा भक्ति और जथा विधि कहा जाएगा। अब अगर हम विग्रह करें तो शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार और विधि के अनुसार कहेंगे, ठीक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ी में अगर हम कहें लौहा लौहा, ठीक है, इसी प्रकार मने मन, ठीक है, इसी प्रकार घर घर, ठीक है। अब देखा जाए तो लौहा का मतलब छत्तीसगढ़ी में होता है जल्दी, तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स कहें कि जल्दी जल्दी, मन ही मन,
घर ही घर, तो छत्तीसगढ़ी में लउहा लउहा। इसी प्रकार मने मन, घर घर, द्वार द्वार। कभी कभी हम एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं जैसे कि घड़ी घड़ी, नगर नगर, मने मन, द्वार द्वार। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि आड़ी काड़ी कहते हैं, ठीक है, रुख रुख कहते हैं, ठौर ठौर कहते हैं, खार खार कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स का रिपीटेशन विथ हाइफन। कभी उपसर्ग है जैसे कि प्रति दिन, जैसे कि प्रति क्षण कहता है, उसी प्रकार यदि वो प्रति पल कहता है तो यहाँ पर जो प्रति है, क्योंकि यहाँ आरएफ वर्ण टूट जाते हैं और साथ में यहाँ पर संयुक्त अक्षर भी टूट जाते हैं, इसलिए प्रतिदिन से बन गया प्रतिदिन, प्रति क्षण और प्रति पल, मतलब हर एक दिन, हर एक पल और हर एक क्षण। मतलब कि जिस समास का पहला शब्द अव्यय प्रधान है, एक अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति है और उपसर्ग से निर्मित एक अव्यय शब्द बना रहा है, तो अव्यय शब्द की प्रधानता वाले समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर और ले सकते हैं जैसे कि खरिया ढिलाती, गरुआ उलियाती, उसी प्रकार हम कह सकते हैं चलत चलत, रेंगत रेंगत, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बातों कहते हैं, देखत देखत कहते हैं, आमरण कहते हैं, इसी प्रकार गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, मनखे मनखे कहते हैं। और इसी में अगर हम लउहा लउहा, यदि हम कहते हैं रसे रस, ठीक है। और ये सारे शब्द जहाँ पर हम एक अव्यय शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें लिए जाने वाले उदाहरण जो होंगे वो एडवर्ब के होंगे, मतलब कि क्रिया विशेषण में प्रयोग होने वाले शब्द होंगे। साथ में यहाँ प्रीपोजिशन मतलब कि संबंध सूचक वाले शब्द का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जिस समास में अव्यय या अविकार्य शब्द की प्रथम शब्द पद में प्रधानता हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। पूरे एग्जाम्पल हिंदी के यहाँ पर लिए जा सकते हैं, बशर्ते ये ख्याल रखा जाए कि हिंदी के जो वर्णाक्षर हैं छत्तीसगढ़ी में आरएफ वर्ण और संयुक्त अक्षर टूट जाते हैं, कुछ वर्णाक्षर अपना स्वरूप जो है वो बदल लेते हैं, कुछ जो हैं वो उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ जो स्पेशली छत्तीसगढ़ी में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में हम जल्दी जल्दी कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में उसे जल्दी नहीं कहा जाता, छत्तीसगढ़ी में लउहा कहा जाता है। तो कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होंगे उनका इस्तेमाल यहाँ पर प्रयोग में मान्य माना जाता है, ठीक है। तो पहला समास हो गया अव्ययी भाव समास। अब दूसरा आते हैं हम द्विगु समास, मतलब कि न्यूमेरिकल्स। जिस समास का पहला शब्द पद संख्यावाची प्रधान हो, जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची प्रधान हो और संख्यावाची प्रधान होकर यदि समस्त पद किसी समूह का बोध कराएं, तो जिस समास में संख्यावाची प्रधानता हो वह समास द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। कि जिस समास का पहला शब्द पद संख्या प्रधान होकर संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराए, ठीक है, मतलब कि संख्यावाची शब्द होगा, तो जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची है और संख्यावाची होकर अगर संपूर्ण पद, अगर वो समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार को संबोधित करे, तो वहाँ पर होता है हमारे लिए द्विगु समास। कि जिस समास का पहला शब्द पद यानी कि प्रथम शब्द पद या पूर्व का शब्द पद हमारे लिए संख्यावाची प्रधान हो और संख्यावाची प्रधान होकर यदि समस्त पद या संपूर्ण पद किसी भी समूह या समाहार को संबोधित करेगा, तो वहाँ होता है हमारे लिए द्विगु समास। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे कि पंच रंगा, ठीक है, जैसे कि सत हत्थी, ठीक है, जैसे कि दू मुहा, ठीक है, जैसे कि तीराहा, जैसे कि चौमास, ठीक है, जैसे कि बारह मासा,
ठीक है। अब देखा जाए तो 5, 7, 2, 3, 4 और 12 कहकर ये न्यूमेरिकल्स क्वालिटी बता रहा है, और न्यूमेरिकल्स बता करके ये रंगों का समूह, हाथ का समूह, मुंह का समूह, रास्ते का समूह, महीने का समूह और महीने का समूह बता रहा है। मतलब कि 5 रंग के समूह, 7 हाथ के 2 मुंह है जेकर, 3 राह है 14, 4 महीना के समूह, 12 महीना के समूह कहता है। अर्थात यहाँ पर संख्यावाची होकर ये विशेष तौर पर हमारे लिए किसी संपूर्णता का बोध करा रहे हैं कि समस्त पद मिलकर किसी समूह का बोध कराए वहाँ होता है द्विगु समास। इस तरह यदि हम कहते हैं 4 गोड़िया 2 गोड़िया कहते हैं, सतखंडा त्रिफल्ला पंचमृत कहते हैं, इसी प्रकार तीन सियार मतलब एक ऐसा हिस्सा सड़क का जहाँ से 3 रास्ते फूटते हैं तो उसे 3 सियार कहते हैं, या कभी कभी तिगड्डा भी कहा जाता है। साथ में 5 पेड़िया 5 पेड़ का समूह कहते हैं। 10 नहावन मतलब मृत कर्म के 10वें दिन का कार्यक्रम। इसी प्रकार हम कहते हैं 4 ज्योतियाँ मतलब एक रस्सी होती है जिसके 4 रस्सी जो है एक साथ में लपेटे जाते हैं तो 4 ज्योतियाँ कहते हैं। साथ में 14 बाटा 4 सुझौती कहा जाता है, तिरलोग कहा जाता है, इसी तरह तीतरा और तीतरी कहा जाता है। साथ में 2 मुहानी कहते हैं तो जिसके 2 मुंह होते हैं, और तिरजुग मतलब त्रियुग कहा जाएगा, 3 युगों का समूह। साथ में सप्ताह कहता है तो 7 दिन का समूह होता है। इसी तरह सप्तर्षि, इसी प्रकार हम कर सकते हैं सतहत्थी, पंचरंगी, पंचरत्न, नवरत्न, ये सारे हिंदी से भी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो मोरल क्या कहता है कि जिस शब्द का पहला शब्द पद संख्यावाची प्रधान होकर संपूर्ण पद किसी समूह या समाहार को संबोधित करे तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। अब हम तीसरा आते हैं द्वंद्व समास में। अभी आपने 2 समास देखे जिसमें पहले शब्द पद की प्रधानता है। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय प्रधान है, द्विगु समास में पहला शब्द संख्या प्रधान है। इसी तरह अब हम यदि द्वंद्व समास की बात कर रहे हैं तो द्वंद्व समास क्या होगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों, ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है ना, दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ होता है द्वंद्व समास। इसकी पहचान क्या है कि इसमें जो एग्जांपल्स लिए जाएंगे या तो वो विपरीत शब्द होंगे, मतलब कि अपोजिट वर्ड्स होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। दूसरा, कभी कभी यहाँ पर विपरीत लिंग के शब्द लिए जाते हैं जैसे कि अपोजिट जेंडर। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक युग्म शब्द मतलब कि हमेशा जोड़े में प्रयोग किए जाने वाले शब्द का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसकी विशेषता ये होती है कि 2 के साथ, ठीक है ना, कभी कभी 3 या 4 शब्द वाला भी उदाहरण जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, 3 या 4 शब्द वाला भी उदाहरण जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो द्वंद्व समास क्या है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ होता है द्वंद्व समास। इसमें लिए जाने वाले जो एग्जांपल्स होंगे अपोजिट वर्ड्स होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, आना जाना, ठीक है। अपोजिट जेंडर होंगे जैसे कि राजा रानी, भाई बहन, माता पिता। युग्म होंगे आंधी तूफान, हलवा पूरी, ठीक है। कभी कभी 2 के अलावा कभी कभी 2 के अलावा हम यहाँ 3 शब्द भी देखते हैं, जैसे कि तन मन धन। कभी कभी हम 4 शब्द जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारे लिए द्वंद्व समास। तो छत्तीसगढ़ी में द्वंद्व समास की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ी में अपोजिट वर्ड्स जैसे कि हम कहते हैं संझा बिहनिया, ठीक है ना, संझा बिहनिया, और
इसकी खासियत है कि यहाँ पर द्वंद्व समास दो शब्दों के बीच में एक हाइफन होता है। अब एक कन्फ्यूज़न मैं यहीं ख़त्म कर दूँ कि एक उदाहरण मैंने बताया था लौहा लौहा, एक उदाहरण मैंने बताया था मने मन। यहाँ पर भी दो शब्दों के बीच में एक हाइफन जुड़ा है, यहाँ भी दो शब्दों के बीच में एक हाइफन जुड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि टू इक्वल वर्ड्स, टू इनडेक्लिनेबल इक्वल वर्ड्स रिपीटेशन विथ हाइफन, ये है हमारे लिए अव्ययी भाव समास, क्योंकि इस योजक के बदले हम ही का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे धीरे ही धीरे, जल्दी ही जल्दी, मन ही मन। लेकिन जब हम द्वंद्व समास की बात करेंगे तो हम यहाँ पर और का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम एक संयोजक शब्द का प्रयोग करते हैं इस हाइफन के बदले। टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग विथ हाइफन, ये द्वंद्व समास है, और यहाँ पर हम इस हाइफन या योजक चिन्ह के बदले एक संयोजक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह देखा जाए तो ये एक कन्फ्यूज़न ख़त्म करता है कि हर दो शब्द वाले समासिक उदाहरणों के मध्य यदि योजक चिन्ह पाया गया तो ज़रूरी नहीं कि हर योजक चिन्ह वाला द्वंद्व हो। कभी कभी एक अव्यय की पुनरावृत्ति के मध्य भी योजक होते हैं, तो अव्यय की पुनरावृत्ति वाला शब्द अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन यदि वो एक ऐसा शब्द है जहाँ टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स है, जैसे कि यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स, जैसे विपरीत शब्द संझा बिहनिया, ठीक है, इसी तरह हम अपोजिट वर्ड्स में और लिख सकते हैं, जैसे कि संझा बिहनिया, ठीक है। इसी में हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मोठ पातर, मोटा पतला हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अवई जवई, ठीक है, ये अपोजिट वर्ड है, सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म। तो जब हम इसको विग्रह करेंगे तो इस और के बदले छत्तीसगढ़ी में औ का प्रयोग किया जाएगा, तो संझा औ बिहनिया, खातो औ कचरा, ठीक है। अब विपरीत लिंग है, जैसे कि हम कह सकते हैं दई ददा, ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं भाई बहिनी, ठीक है, अपोजिट जेंडर, तो दई औ ददा, भाई औ बहिनी, ठीक है। अब कभी कभी एक पेयर में आता है, जैसे कि घर द्वार, तो घर औ द्वार। इसी प्रकार हलवा पूरी कह सकता है, तो हलवा औ पूरी, ठीक है। अब तीन शब्द, जैसे कि तन मन धन कहा, ठीक है, चार शब्द में नेंगी जोगी पांडे प्रधान कहता है, या उदाहरण के तौर पर कह सकता है हरदी मिर्चा नून धनिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए होते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। और इस तरह जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। आने वाले एग्जाम्पल्स अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट जेंडर, पेयर वाले वर्ड्स, कभी कभी दो के अलावा तीन और चार शब्द के भी समासिक शब्द का उदाहरण द्वंद्व समास में लिया जाता है। इस द्वंद्व समास के प्रकार होते हैं, द्वंद्व समास के प्रकार होते हैं जो तीन माने जाते हैं, द्वंद्व समास के तीन प्रकार माने जाते हैं। अब पहला होता है हमारे लिए ईत रेतर द्वंद्व समास, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के समान अधिकार वाले योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जैसे कि और एवं तथा। लेकिन छत्तीसगढ़ी में एवं और तथा का प्रयोग ना करके अधिकांश तौर पर हम छत्तीसगढ़ी में औ का ही प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। दूसरा, जहाँ दोनों पदों के माध्यम से किसी समाहार का बोध कराया जाए, समाहार या समूह का बोध करा जाए, तो वो हमारे लिए समाहार द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। जब हम यहाँ और का प्रयोग करते हैं और का प्रयोग करके ये किसी समूह का बोध कराता है, तब ये समाहार द्वंद्व समास बन जाता है, ठीक है। तीसरा, कभी कभी हम एक विकल्प को चुनते हैं कि दोनों में से हम एक शब्द को चुनते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, तब वहाँ पर हमारे लिए द्वंद्व समास होता है। हिंदी में हम या का प्रयोग करते हैं, ये या ये, हम कहीं कहीं ऑप्शन के लिए हम चाहे का प्रयोग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में या और चाहे, इस दोनों के लिए हम नईते का प्रयोग करते हैं,
ठीक है। तो उदाहरण कैसे लेंगे, जैसे हम इतरेतर में जाते हैं, तो इतरेतर द्वंद समास क्या हुआ कि जहाँ दोनों शब्द पद की प्रधानता है वहाँ होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की खासियत है कि इसमें विपरीत लिंग, विपरीत शब्द वाले और हमेशा जोड़े में प्रयोग किए जाने वाले, और साथ में यहाँ युग्म शब्द के साथ साथ कभी दो के अलावा तीन और चार शब्द का उदाहरण लिया जाता है। पहली बात चल रही है इतरेतर द्वंद्व समास की। इतरेतर द्वंद्व समास क्या है कि जिस समास में दोनों पदों के मध्य संयोजक शब्द में और का प्रयोग किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में और के बदले हम औ का प्रयोग करते हैं, जैसे दई औ ददा, भाई औ बहनी, इसी प्रकार कमरा औ खुमरी, महतारी औ बेटा, तस्मई औ सोहारी, चूरी और ढौर कौआ, लडुआ पपची, दही औ मही, सारस जावर, सास औ पत्तो, इसी तरह ममा औ भाचा, गुरु औ चेला, महतारी औ बेटा। मतलब यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स भी आ गए, अपोजिट जेंडर भी आ गया और पेयर में वाले वर्ड्स भी आ गए, लेकिन जब दोनों पदों को विग्रह करते समय हम औ का प्रयोग करते हैं, जहाँ दोनों पदों में समान बैलेंस देखने लगता है, तब वो हमारे लिए इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण बनाता है। अगला हम बात करते हैं समाहार। समाहार का मतलब होता है कि संपूर्णता या समूह का बोध कराए। अब इसी समाहार में जब बात कर रहे हैं समाहार द्वंद्व का, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दार भात मतलब दार औ भात, घर द्वार मतलब घर औ द्वार, ठीक है, तरिया डबरी तरिया औ डबरी, और इसी प्रकार अन्न पानी, जात सगा, नून तेल, बियारा बखरी, दई देवता, ठीक है, काम काज, खेती खार, माई पीला, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं निकार चौसार, ठीक है, दुखी बंदी, विधवा या बेसहारा स्त्री जो होती है ना, इसी में हम अगर कहते हैं कि सास वरण मतलब रास वरण मतलब राशि और वर्ण, ये हमारे लिए एक ऐसे ना संपूर्णता, घर द्वार कह देने से संपूर्ण घर हो गया, दार भात कह देने से संपूर्ण भोजन बन गया, सेठ साहूकार कह देने से संपूर्ण व्यापारी वर्ग आ गया। इसी तरह जब हमने कहा खेती खार, तो समस्त खेती से संबंधित जो हमारे परिवेश हैं वो आ गए, और इसी प्रकार हम जब कहता है काम काज, तो हर प्रकार का काम जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, संपूर्णता का बोध कराकर समाहार द्वंद्व समास बनाता है। अब आता है विकल्प। विकल्प मतलब हम एक को चुनेंगे एक को छोड़ देंगे, ठीक है। जब हम हिंदी में या और चाहे का प्रयोग करते हैं, तो इसके बदले हम छत्तीसगढ़ी में नहीं ते का प्रयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ये नेगेटिव वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे संझा बिहानिया तो संझा नहीं ते बिहानिया, खातू कचरा खातू नहीं ते कचरा, ठीक है, बैला भैंसा बैला नहीं ते भैंसा, इसी तरह थोरिक बहुत थोरिक नहीं ते बहुत, पाप नहीं ते पुण्य कह सकते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं। इसके अलावा कभी कभी छत्तीसगढ़ी में हम दो से ज्यादा शब्द भी देते हैं, जैसे नेंगी जोगी पांडे प्रधान, हरदी मिर्चा नून धनिया कहता है, ठीक है, इसी प्रकार कह सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि रात माए कुआं पुजई, रात माए कुआं पुजई कहते हैं, हाथ गोड़ नाक कान कहते हैं, हर्रा बहर्रा आवरा कहते हैं, ठीक है, इसी प्रकार जंगल झाड़ी पहाड़ कहते हैं, और कभी कभी चार पद में अगर हम कहते हैं, जैसे कि मुख्तियार, मुख्तियार मतलब कि दरोगा सौजौनिया ग्रामवासी और गांव की देखभाल करने वाले, नाऊ राउत धोबी, नाऊ राउत धोबी कहते हैं, और इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल जो हैं लिए जा सकते हैं, जैसे कि खेत डोली रोटी पीठा, तरिया डबरी बात बानी, पूंजी पसरा डारा पाना, ठीक है, अम्मी आपका इसी प्रकार खलबत्ता खलबैठा, और कहीं ना कहीं जहाँ जात कुजात धर निकार रात दिन राजा परजा, इसी प्रकार कभी कभी एक विकारी शब्द का वो जो प्रयोग होता है, जैसे असर पसर, इसी प्रकार धूक धाक फूक फाक कहता है, ठेल पेल ओतिया धोतिया कहता है, रौतन अवतन सोहारी ओहारी कहता है, खवई पियाई दई ददा भाई बहनी राजा रानी ममा भाचा, दार भात धर पकड़ उकील बैरिस्टर,
ठीक है, इसी प्रकार कह सकते हैं हिसाब किताब, नाव धोबी, लाज शर्म, कुल मिलाकर दोनों पद की प्रधानता वाले समास हमारे लिए द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब हो गया हमारे पास यहाँ तीन प्रकार के समास, जहाँ अव्यय प्रधान शब्द है अव्ययी भाव समास, संख्या प्रधान शब्द है द्विगु समास, और दोनों पद के प्रधान वाले शब्द हैं हमारे लिए द्वंद्व समास। अब आते हैं अगला कर्मधारय समास के बारे में। अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होते हैं? विशेषण और विशेष्य के योग से बना हुआ शब्द वाला समास कर्मधारय समास कहलाता है। जिस शब्द में पहले शब्द पद के द्वारा दूसरे शब्द पद की विशेषता बताई जाए, ठीक है, तो जहाँ पहला शब्द पद दूसरे शब्द पद की विशेषता बताता है, तो यहाँ गुण संबंधी उदाहरण लिए जाते हैं। कभी यह एग्जाम्पल जिसमें पहला शब्द पद होता है विशेषण का, दूसरा शब्द पद होता है विशेष्य का, कभी कभी पहला शब्द होता है उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, दूसरा शब्द पद हो जाता है उपमान जिससे तुलना की जा रही है, कभी कभी यह एक ही रूप के होने वाले रूपक वाले शब्द होते हैं। इसलिए जिस समास में पहला शब्द पद दूसरे शब्द पद की विशेषता बताता है वहां कर्मधारय समास होता है, ठीक है। और कर्मधारय समास की यदि हम बात कर रहे हैं तो विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान वाले जो उदाहरण होते हैं, साथ में रूपक वाले जो उदाहरण होते हैं, उन्हें हम कर्मधारय समास की श्रेणी में लाते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द पद होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। विशेष्य क्या होते हैं? जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है। उपमेय होता है जिसका कंपेयर किया जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान वे होते हैं जिससे कंपैरिजन किया जाता है, जिससे तुलना की जाती है। और दोनों में तुलना और गुण विशेष ना होकर एक ही रूप का मान लिया जाए तो वहां रूपक होता है। तो इसके उदाहरण जो लिए जाएंगे वो गुणवाचक विशेषण का होगा, उपमा अलंकार जैसे उदाहरण होंगे, या रूपक अलंकार जैसे शब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे चलते हैं इसके उदाहरणों को समझने के लिए। उदाहरण के तौर पर हम पहले अगर हम विशेषण विशेष्य को लें तो जैसे हम कह सकते हैं करिया बादर, ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं लमचोची, ठीक है, लमचोची कह सकते हैं, करिया बादर कहते हैं, हरियर लुगरा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला शब्द करिया, लंबा और हरा, ये विशेषण का शब्द है जो कहीं ना कहीं बादल, चोंच और लुगरा की विशेषता बता रहा है। मतलब कि काले रंग का बादल तो करिया बादर, लंबा है चोंच और हरियर लुगरा कहकर विशेषण और विशेष्य का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम चाहें तो कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं लाट साहब, गौ माता, ब्राह्मण देवता, ठीक है, बड़े महाराज, बड़का महाराज, इसी प्रकार हम कह सकते हैं बड़े बहुरिया, भैंसा अंधियार, लाल कमल, पीत वस्त्र, ठीक है, बड़े दाई, बड़े ददा, लौंगी मिर्चा, झोड़का कुरिया, भैंसा भाकुर, दूध भात, ये विशेषण और विशेष्य वाले होंगे। कभी कभी होता है कि दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे छोट बड़, ठीक है, जैसे कि सरसपाट, जैसे कि कच्चा पक्का, जैसे कि जुच्छा सुद्धा, नरम गरम, आघू पाछू, ऐसे विशेषण वाले भी शब्द जो होते हैं वो दोनों पदों की प्रधानता वाले कर्मधारय में गिने जा सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि दोनों पद विशेष होते हैं, जैसे गौ माता, मतलब गाय विशेष्य है, माता के समान, तो गाय के समान माता, इसी प्रकार महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, इसी तरह चौरदार, इसी प्रकार हम कह सकते हैं माटी गोटी, भाई दादा, मतलब भाई दादा वो भाई जो बाप के समान है, ठीक है, जैसे महाराज, ठीक है, उसी प्रकार महाकवि, महादेव अगर हम कहें तो ये सब हमारे लिए विशेषण विशेष्य होंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है जहाँ हम उपमेय और उपमान देखते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं मुख चंद्र, चंदा के समान मुख कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चंदा के समान मुख कह देते हैं, तो यहाँ हमारे लिए हो जाता है उपमेय और उपमान। अब अगर रूपक वाली बात कर रहे हैं तो हिंदी से ही प्रभावी अगर हम कर कमल या हम चरण कमल कहेंगे तो यह हमारे लिए रूपक वाला होगा कि कमल रूपी हाथ, कमल रूपी चरण, ठीक है, चंदा के समान मुख कहता है। इसके अतिरिक्त
हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लम गोड़वा लंबे पैर वाला, डढ़े बल मतलब जला हुआ तेल, देड़ सास यानि कि पति की बड़ी बहन। इसी तरह पनखट्टी मतलब जो घाट पानी वाला है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं मुंह उतार, मुंह को हमेशा उतार कर रखने वाला, घर खुसरा घर में घुसे रहने वाला कह सकते हैं, पनबुड़ी पानी के में हमेशा डूबे रहने वाला। इसी प्रकार प्राण प्रिय प्राण बर जो प्रिय है, इसी तरह हम घी रोटी कहते हैं घी चुपड़ी हुई रोटी को, ठीक है। गोटी साबुन मतलब गोटी जैसा साबुन, दुधिया मटासी पनिया दुकाल, गोड़ करिया गोंदली फटाका, सुआ पाख हरियर कहता है, ठीक है। इसी तरह वनमानुष कहता है खरिया, भाकुर कहता है बेंद्रा नाच कहता है, साथ में कंचप्पी दतनीपोर है ना। इसी प्रकार घर खुसरा लमचोची लमगोड़वा हरियर मिर्चा लौंगी मिर्चा, ये सभी हमारे लिए कर्मधारय समास की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जिस सामासिक शब्द रचना में पहले शब्द पद के द्वारा दूसरे शब्द पद की विशेषता बताई जाए, चाहे वह विशेषण विशेष्य होकर, चाहे वह उपमेय उपमान होकर, या रूपक के अनुसार शब्द हों, तो वहाँ पर विशेषण विशेष्य वाले उदाहरण वाले एग्जाम्पल्स हमारे लिए कर्मधारय समास कहलाते हैं। अब तक मैंने आपको चार समास बचा दिया, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया जिस समास का पहला शब्द पद अव्यय प्रधान है वहाँ है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला शब्द पद संख्यावाची प्रधान होकर संपूर्ण पद किसी समूह का बोध कराता है तब वहाँ है द्विगु समास। दोनों पदों की बराबर के बैलेंस है, इक्वल है, दोनों पद प्रधान है, तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। और अगला मैंने बताया जिस समास का पहला शब्द पद दूसरे शब्द पद की विशेषता बताए वहाँ होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में केवल एक ज़रा सा अंतर होता है कि कर्मधारय समास के द्वारा पहला शब्द दूसरे शब्द पद के अर्थ को या पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द के विशेषता बताकर वहीं छोड़ दी जाती है। जैसे हरे रंग की मिर्च, हरे रंग का लुगरा, करिया है जो बादल, इस तरह विशेषता बताकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वो विशेषता बताकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताए तब कर्मधारय से वो बहुव्रीहि समास में चला जाता है। तो हिंदी को फॉलो करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यह समास छत्तीसगढ़ी में हिंदी से लिया गया है और हिंदी में संस्कृत से लिया गया है। तो कुल मिलाकर कि दो शब्द पद मिलकर जिस तरह के प्रभाव वाले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे उनसे संबंधित समास का प्रकार लिखिएगा। कभी भी अपनी तरफ से उसमें एक सोच और समझ और अपनी एक तुक्केबाजी की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि समास दो या दो से अधिक शब्द पदों का संगम है और दोनों शब्द पद मिलकर जो भी अर्थ निर्णय करे कि अव्यय प्रधान है मतलब कि अविकारी शब्द हुआ, ठीक है, संख्यावाची प्रधान है मतलब कि वो द्विगु हुआ, लेकिन संख्या होकर किसी तीसरे को बताएगा तब वो चला जाएगा बहुव्रीहि में। इसी तरह यदि वो दोनों पद की प्रधानता रखता है तो द्वंद्व होगा। एक योजक होकर भी अगर वो अलग अलग शब्दों को जोड़ता है तो वो द्वंद्व होगा। और विशेषण विशेष्य है जो सिर्फ एक विशेषता बताता है तब वो कर्मधारय समास कहलाएगा। आगे आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष कि हम यदि बात कर रहे हैं कि फिफ्थ वन है तत्पुरुष समास, तो जिस समासिक पद रचना में पहले शब्द पद के द्वारा दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए, जहाँ पहले शब्द पद के द्वारा दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जब ये तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं तो यहाँ पर कारक रचनाएँ विलुप्त होती हैं, लेकिन जैसे ही समासिक पद रचना को विग्रह किया जाता है तब हमें यहाँ कारक रचना की प्राप्ति होती है। आपको पता है कारक रचना क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित हो वहाँ होती है कारक रचना। जिस चिन्ह के द्वारा उसे संबोधित किया जाता है वो चिन्ह कहलाता है कारक चिन्ह। जिसके कुछ नाम है, किसके द्वारा जिसका कोई नाम हो, जिसके बदले में सर्वनामी शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कि वाक्य जिस पर आधारित है वो है कर्ता, उस कर्ता के द्वारा किया जाने वाला होता है कर्म, इसके साधन और माध्यम को बताता है करण, कार्य दूसरे हेतु संप्रदान है समर्पण,
कर्ता और क्रिया का अलगाव है अपादान, कर्ता और क्रिया का संबंध है संबंध सूचक, कार्य का स्थान होता है अधिकरण और उसे संबोधित करने वाला शब्द होता है संबोधन। हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन है ओ अरे कहता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में हम कहते हैं कर्ता हर कर्म ला का संप्रदान बर खातिर अपदा संप्रदान ले से संप्रदान करण ले और से करण ले और से संप्रदान आपका बर और खातिर संप्रदान बर और खातिर अपदान ले से संबंध कर और के अधिकरण मा और मेर। ठीक है, चूंकि ये अगा और अ ओ का प्रयोग करता है तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब किसी समासिक पद रचना को विग्रह कर रहे हैं, चूंकि कर्ता किसी व्यक्ति को संबोधित करने वाला शब्द मात्र है इसलिए ये यहाँ से स्किप कर दिया जाता है। उसी कर्ता को संबोधित करने वाला शब्द होता है संबोधन, इसलिए यह छूट जाता है। लेकिन देखा जाए तो कर्म से अधिकरण तक की यदि कारक रचना हमें प्राप्त होती है तो कारक रचना युक्त शब्द पद हमारे लिए तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, और इस आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हो जाते हैं, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण। क्योंकि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन करके 8 कारक रचना होती हैं, जिसमें से कर्ता को प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, अपदान को पंचमी, संबंध को षष्ठी और संबोध आपके अधिकरण को सप्तमी विभक्ति का नाम दिया गया। और इस आधार पर हम चाहें तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, या हम चाहें तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जिस समासिक पद रचना में पहले शब्द पद के द्वारा दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए वहाँ होता है तत्पुरुष समास। जब ये समस्त पद में होती हैं तो कारक विभक्तियाँ लुप्त होती हैं, लेकिन जैसे ही समस्त पद को विग्रह किया जाता है तो कर्म से अधिकरण तक की यदि उनके मध्य कारक विभक्तियों की प्राप्ति हो तो ऐसे समस्त पद तत्पुरुष समास कहलाते हैं। क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है तो वहाँ होती है कारक रचना, और जिस चिन्ह द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है वो होते हैं कारक चिन्ह। सबसे पहली बात, छत्तीसगढ़ी में हम समास में तत्पुरुष की बात कर रहे हैं तो कर्म तत्पुरुष को हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए कारक विभक्ति मानी जाती है ला और का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि ये कर्म क्या होता है, क्रिया का आश्रय, कर्म होता है क्रिया का आश्रय या होता है क्रिया का फल। ठीक है, क्रिया का आश्रय या क्रिया का फल होता है कि कर्ता द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका कर्म क्या है वो होता है आश्रय या फल। जैसे कि कर्म तत्पुरुष में हम उदाहरण लेते हैं तो यहाँ कर्म तत्पुरुष में हिंदी में गगन चुंबी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम कहते हैं आपका माखन चोर, इसी प्रकार गिरहकट, शरणागत कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में कर्म तत्पुरुष कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, दिया बरैया, मतलब दिया ला बारे वाला। इसी प्रकार नाम लेवैया, मतलब नाम ला लेहे वाला। कठ फोड़वा, काठ ला फोड़े वाला। इसी तरह भत खौवा, भात ला खाए वाला। दूध दुहैया, दूध ला दुहे वाला। भात रंधैया, भात ला रांधे वाला कह सकते हैं। और शरणागत मतलब शरण ला आने वाला। इसी प्रकार जेब कतरा, जेब ला काटे वाला। भई खई, भई ला खाने वाली। इसी तरह मनखे खई, मनखे ला खाने वाली। और कहीं ना कहीं हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे कि पनखई,
उसी प्रकार हम कह सकते हैं पेट कटई, पेड़ कटैया, भतखौआ, लत मरुआ, गुण हगरा, गुण ला हागे वाला, मतलब गुण को नहीं मानने वाला। ये हुआ हमारे लिए कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा अब हम आते हैं करण। करण को हम करण तत्पुरुष के साथ साथ हम चाहें तो इसे तृतीय तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, और इसकी कारक विभक्ति है ले और से। और ये क्या होता है, किसी भी कार्य को करने का, किसी भी कार्य को करने का माध्यम होता है, किसी भी कार्य को करने का स्रोत होता है, किसी भी कार्य को करने का जरिया होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले सकते हैं, जैसे कि सुर रचित, तो सुर ले रचित, ठीक है ना, सुर रचित कहते हैं तो सुर ले रचित कह सकते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पर एग्जाम्पल भूख मर्रा कहते हैं, ठीक है ना, जैसे कि भूख मर्रा कहते हैं तो भूख ले मरे वारा, ठीक है ना। लकवा ग्रस्त कहते हैं, लकवा ग्रस्त कहते हैं तो लकवा ले ग्रस्त हो गया, मतलब लकवा से ग्रस्त हो गया। गुणवंता मतलब गुण ले भरे, बाण मारे मतलब बाण ले मारे, लोकवा मारे मतलब लोकवा ले मारे, कीड़ा खाए कीड़ा ले खाए, सांप काटे कहता तो सांप ले काटे, बूता चोर मतलब बूता ले काम ले चोरी कह सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं मुँह मांगे मुँह ले मांगे, और मन चाहे मतलब मन ले चाहे, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारे लिए कर्म और करण के बाद में आता है संप्रदान। संप्रदान को हम चतुर्थी तत्पुरुष कह सकते हैं, क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष हम कह रहे हैं, तो संप्रदान तत्पुरुष को विभक्ति के अनुसार हम चतुर्थी विभक्ति का दर्जा देते हैं। और इसकी कारक रचना है बर और खातिर, इसकी कारक रचना है बर और खातिर। और संप्रदान क्या होता है, जो भी कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, कार्य दूसरे हेतु दूसरे के लिए समर्पित हो जाता है, ठीक है, यह कार्य दूसरे के लिए समर्पण भाव दिखाता है, ठीक है। इसलिए जब किसी कार्य को कर्ता दूसरे के लिए करता है तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष या हमारे लिए चतुर्थी तत्पुरुष हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकते हैं देश भक्ति, मतलब कि देश भर भक्ति, जैसे कि हम कह सकते हैं रंधनी खोली रांधे भर खोली, ठीक है, गरुआ कोठा गरुआ बर कोठा, टरेन बर भाड़ा, चुंगी नाका नाका बर चुंगी। इसी प्रकार जाता कुरिया छेरी कुरिया पकौनी पानी माल गोदाम, इसी प्रकार ढेकी कुरिया, इसी प्रकार हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर धान कोठी, ठीक है, और इसी प्रकार कह सकते हैं हाथ घड़ी हाथ बर घड़ी, सत्याग्रह सत्य बर आग्रह, इसी प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर रोचन पानी रोचन बर पानी, इसी प्रकार झुक्का अकाल सुखा के अकाल, और माल गोदाम गरुआ कोठा ट्रेन भाड़ा, और कहीं कहीं हम रेल भाड़ा भी ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदी से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि हम देशभक्ति कहते हैं, रसोई घर प्रयोगशाला पाकशाला कहते हैं, तो सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे लिए संप्रदान तत्पुरुष। अब आता है अपादान। अपादान को हम तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष तो कहेंगे, साथ में चूंकि यह विभक्ति में पंचमी विभक्ति है इसलिए पंचमी तत्पुरुष कहलाएगा, और इसके लिए आता है हमारे लिए ले और से, ठीक है। तो पहले कंफ्यूजन में ख़त्म कर दूं कि यहाँ ले और से करण में भी है और अपादान में भी ले और से है। यह कार्य का माध्यम है, जैसे मैं साइकिल ले स्कूल जाता हूँ, लेकिन ये अलगाव है डर भय तुलना से, ठीक है, कि कर्ता द्वारा ये अलगाव हो जाता है, कर्ता द्वारा पृथककरण हो जाता है, ठीक है, कब, जब वहाँ कहीं किसी प्रकार का डर हो भय हो या कभी कभी वो तुलना हो, ठीक है, तो डर भय तुलना से अलगाव हो जाता है। इसलिए कभी कभी अगर जहाँ चीज़ें अलग हो रही है तो अपादान होगा, जैसे मैं साइकिल ले स्कूल जाता हूँ, मतलब स्कूल जाने का माध्यम करण हुआ हमारा साइकिल। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को कहते हैं मैं जाते समय साइकिल ले गिर गए हूँ, मतलब वहाँ पर चीज़ें अलगाव वाली है, रुख ले
पाना झरत है, मोर हाथ से गिलास छूट गए। ठीक है, मैं भात हाथ से खाता हूँ, तो यहाँ पर माध्यम है और यहाँ पर अलगाव है। अब यहाँ पर अगर कहता है एग्जाम्पल के तौर पर जाति बाहिर, है ना, तो जाति ले बाहिर। इसी प्रकार मनखे बाहिर कहता है तो मनखे ले बाहिर, देश निकाला कहता है तो देश ले निकाला। ठीक है, इसी प्रकार पेड़ टोरे कहता है तो पेड़ ले टोरे, तरिया खाल है तो तरिया ले खाल है, भयाकुल भय ले आकुल, और कहीं ना कहीं समाज बाहिर कहता है तो समाज ले बाहिर, और इस तरह पेड़ टोरे बोला तो पेड़ ले टूटे। अब हिंदी की तरह यहाँ हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे धर्म विमुख, ठीक है, पथ भ्रष्ट, पदोन्नति कह सकते हैं, ठीक है, समाज बहिष्कृत कह सकते हैं। तो अलगाव और पृथककरण हो तो वहां होता है अपादान तत्पुरुष समास, मतलब कि पंचमी तत्पुरुष समास। अब अगला आता है संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष जिसे हम षष्ठी कहते हैं। ठीक है, संबंध तत्पुरुष जिसे षष्ठी कहा जाता है, तो षष्ठी में हम कर और के का प्रयोग करते हैं छत्तीसगढ़ी के अकॉर्डिंग, और ये होता है कर्ता तथा क्रिया का संबंध, कर्ता तथा क्रिया का संबंध। ठीक है, जैसे कि अगर हम हिंदी के एग्जाम्पल को लें, जैसे कि राजाज्ञा तो राजा के आज्ञा, ठीक है, राजदूत तो राजा के दूत, और इसी प्रकार अगर कहता है रथ यात्रा, रथ के यात्रा, इसी प्रकार अगर कहता है बेंद्रा नाच, बेंद्रा के नाच, ठीक है, और घुड़सवारी तो घोड़ा के सवारी कह सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जेनवास कहता है जेवन के वास, इसी प्रकार खार राख, खार के राख, माता मड़ैया, माता के मड़ैया, महामाया मंदिर, महामाया माता के मंदिर। ठीक है, और कहीं गंगा जल कहा तो गंगा के जल, इसी प्रकार कुल तारक, कुल के तरैया, और कहीं एग्जाम्पल में हम जो ले रहे हैं जैसे कि दुराचार, दुआर के आचार व्यवहार। ठीक है, बैलगाड़ी, बैला के गाड़ी, भैंसा गाड़ी कह रहे हैं तो भैंसा के गाड़ी, जगदीश बोला तो जगत के ईश हो गया, लखपति कहा तो लाख के पति, और हथकड़ी कहा तो हाथ के कड़ी। कुल मिलाकर संबंध को बताने वाला यहाँ पर संबंध सूचक तत्पुरुष है, तो संबंध तत्पुरुष यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। अब नेक्स्ट बनाता है हमारे लिए अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है कार्य का स्थान। ठीक है, कार्य का स्थान बताता है, जहाँ पर यहाँ कार्य के स्थान बताने के लिए अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष मतलब कि विभक्ति के अनुसार ये सप्तमी तत्पुरुष कहलाएगा, और इसकी कारक रचना हो जाती है मा, मे, मेर और करा। ये कार्य का स्थान निर्धारण करता है, कार्य का स्थान निर्धारण करता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि हिंदी में अगर हम मे कहते हैं तो मे आंतरिक तौर पर बताता है, और हम यदि पर कहते हैं तो बाह्य प्रभाव को बताता है। ठीक है, जैसे कि जल मगन कहता है, सरग वास कहता है, ठीक है ना, इसी प्रकार कर्जा बूढ़े कहता है, तो कर्जा माँ बूढ़े, सरग माँ वास, जल माँ मगन, मतलब कि यहाँ कार्य के स्थान का निर्धारण किया जा रहा है। अब इसी प्रकार अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो पानी बूढ़े मतलब पानी माँ बूढ़े, छानही चघे मतलब छानही माँ चघे कह सकते हैं, गंगा स्नान मतलब कि गंगा माँ स्नान कह सकते हैं, मन मौजी मन माँ मौज करैया कहते हैं, कर्म कुशल कर्म माँ कुशल कह सकते हैं, लोकप्रिय लोक भरमा प्रिय कह सकते हैं। इसी प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल और दे सकते हैं, जैसे कि पहली भर चना, गांव भर गोहार, रात भर नींद, दिन भर बूता, हाड़ी भर मही, देह उठना मतलब कि मूड लगरा, ये सारे उदाहरण जहां पर हम कार्य के स्थान का निर्धारण करते हैं तो वहां होता है तत्पुरुष समास। मतलब कि
जब पहले शब्द पद के द्वारा दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर यदि जल कह रहा है, पहला शब्द जो दूसरे शब्द के अर्थ को सुनिश्चित करे कि मग्न है वो, डूबा हुआ है वो, पर पहले शब्द ने बताया कि किस में डूबा हुआ है, वो जल में मग्न है, बूढ़े मतलब बूढ़ा हुआ है वो, तो दूसरा शब्द है बूढ़ना, लेकिन पहले शब्द के द्वारा उसके अर्थ को सुनिश्चित किया गया कि कर्जामा बूढ़े। और इस तरह जिस सामासिक पद रचना में दोनों पदों के मध्य लुप्त कारक विभक्तियां हो, तो जिस समास में पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए वहां होता है तत्पुरुष समास। जब ये समस्त पद में होंगे तो कारक विभक्तियां लुप्त होंगी, लेकिन समस्त पद को विग्रह करते समय यदि कर्म से अधिकरण तक की कारक विभक्तियां छत्तीसगढ़ी की प्राप्त हो या हिंदी की प्राप्त हो तो नाम के अनुसार कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास के छह तत्पुरुष समास होते हैं। अकॉर्डिंग टू विभक्ति यदि हम कहें तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास होते हैं। इसी में कुछ और छोटे छोटे समास है जो ऐड किए गए हैं और वो क्या हैं उसके बारे में अब हम आगे चर्चा करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो फिर से कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स वाला। मैंने आपको अव्ययी भाव समास में बताया था कि जिस समास का पहला शब्द एक उपसर्ग से निर्मित अविकारी शब्द निर्माण करे वहाँ होता है अव्ययी भाव समास। जैसे कि मैंने हिंदी में प्रतिदिन कहा था, छत्तीसगढ़ी में मैंने प्रतिदिन को प्रतिदिन बताया, आ जन्म कह सकते हैं, इसी तरह आमरण कह सकते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका पहला शब्द एक अव्यय शब्द है जो एक उपसर्ग से निर्मित बना हुआ है, ठीक है, कि प्रति, आ और आ, एक यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है। सेम सिचुएशन है कि यदि हम एग्जाम्पल में जैसे कि अन जतिया कहते हैं, ठीक है, जैसे कि अन चिन्हार कहते हैं, जैसे कि अनफबित कहते हैं, ठीक है, अनजतिया, अनचिन्हार, अनफबित कहते हैं। और इसी तरह यदि हम अधर्म कहते हैं तो देखने वाली बात क्या है कि वन थिंग इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ एग्जांपल्स कि दोनों शब्दों में पहला शब्द पद है जो प्रीफिक्स वाला है। यहाँ अ, यहाँ अन, यहाँ भी अन और यहाँ भी अन उपसर्ग है, ठीक है। और साथ में हम अगर इधर की बात करें तो प्रति, आ और आ, ये भी उपसर्ग है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि उपसर्ग से निर्मित यहाँ पर एक अविकारी शब्द है, ठीक है, आगे समझ में। उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द जैसे हर एक दिन, जन्म भर तक, मरत ले अगर कहता है तो ये हमारे लिए अव्ययी भाव समास बनाया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ जितने प्रीफिक्स यूज़ किए गए हैं वो एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, मतलब कि नकारात्मक उपसर्ग हैं। जो यहाँ पर शब्द बना है वो भी एक नकारात्मक शब्द बना है, मतलब कि यहाँ किसी प्रकार का अभाव और किसी प्रकार की कमी बताई गई है, ठीक है। जैसे कि अनजतिया मतलब दूसर जात के, अनचिरहार पहचान के कमी, अनफबित फबे के कमी, अधर्म धर्म के कमी, यहाँ पर किसी प्रकार का अभाव या कमी बताई है जो एक नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द का निर्माण करता है। जब हम इसे विग्रह करते हैं जैसे पहचान के कमी, चिन्हारी के कमी कहते हैं तो कारक विभक्ति के ये हमें प्राप्त होता है। अब दूसरी बात कन्फ्यूज़न कि जैसे कि हम राजाज्ञा कहते हैं तो राजा के आज्ञा कहा, ठीक है, जैसे राजाज्ञा बोला तो राजा के आज्ञा बोला, तो आज्ञा का संबंध है राजा से कि राजा की आज्ञा, लेकिन अगर वो कहता है अनजतिया जाति के खिलाफ या हम कह सकते हैं अनचिन्हार पहचान के कमी, तो यहाँ पर संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि संबंध सूचक कारक विभक्ति पाई जा रही है तो ध्यान से समझेंगे, नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द जहाँ किसी अभाव या किसी कमी को बताया जाए, जहाँ विभक्त करते समय, विग्रह करते समय कारक विभक्ति के की प्राप्ति होती है, तो ऐसे समास को नन्य समास कहा जाता है, ठीक है। तो नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित समास नन्य समास होता है, लेकिन चूंकि इसके अंतर्गत कारक विभक्ति संबंध सूचक पाया जाता है इसलिए इसे नन्य
तत्पुरुष समास कहा जाता है, लेकिन ये नन्य समास जो है तत्पुरुष में स्थान दिया तो गया है परंतु इसे कभी भी गिना नहीं जाता है। तो इस तरह हम देखें तो जिस समास में प्रथम शब्द पद में नकारात्मक उपसर्ग जुड़ा हो, जिससे एक नकारात्मक शब्द का निर्माण हो, नन्य समास कहा जाता है। परंतु इसे एक तत्पुरुष समास के अंदर स्थान देने के पीछे कारण ये है कि जब इस समस्त पद को विग्रह किया जाता है तो यहाँ कारक विभक्ति में से संबंध सूचक कारक की प्राप्ति होती है। जैसे कि बिन बादर तो बिना बादर के, ठीक है, आन जात आने जाति के, अनबोला बातचीत से रहित कहता है, अनगिनत है ना गिनती के ले बाहर कह सकते हैं, आन गांव जो अपना गांव नहीं है, अनिक मतलब जो अच्छा नहीं है, अशुद्ध जो शुद्ध नहीं है, अपवित्र जो पवित्र नहीं है, तो अनादि न आदि, अन्याय न न्याय, अज्ञानी न ज्ञानी, अनावश्यक न आवश्यक कह सकता है, असंभव न संभव कह सकता है। तो यहाँ पर नेगेटिव प्रीफिक्स वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि हम गैर जिम्मेदार कह सकते हैं, इसी प्रकार हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बिन का प्रयोग कर सकते हैं और अनभोरहा अनजाने जैसे शब्द का प्रयोग से नन्य समास का निर्माण जो है वो होता है। कभी कभी एक ऐसा शब्द होता है जहाँ हम चाह कर भी विभक्ति को लुप्त नहीं कर सकते। कभी जिस तरह हम समासिक पद रचना को देख रहे हैं तो हमारे द्वारा एक ऐसे समास का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम कहते हैं अलुक समास, या इसे भी एक समास में तत्पुरुष के अंदर स्थान देने से अलुक तत्पुरुष कहलाता है। अलुक का मतलब है छिप नहीं सकता, अलुक का मतलब है छिप नहीं सकता। क्या? जब समासिक पद रचना में कारक चिन्ह छिप नहीं सकता, मतलब ना चाहते हुए भी वो अपने स्पष्टीकरण को देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं घरे द्वारी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में मूड़े टिकली, मूड़मर टिकली युधिष्ठिर, जैसे मूड़े टिकली तो मूड़मर टिकली बोला, तो यहाँ पर कारक रचना माँ और मैं जैसे बात कर, जैसे युधिष्ठिर कहता है, ठीक है ना, युद्ध माँ स्थिर कहेगा। इसी प्रकार निशाचर कहता है तो निशा माँ चरना कहेगा। हम चाहते हुए भी इस माँ और मैं जैसे कारक विभक्ति को लुप्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर होता है हमारे लिए अलुक तत्पुरुष समास। जैसे कि हम कहते हैं रसगुल्ला, रसम डूबे गुल्ला, ठीक है। इसी प्रकार बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींचे वाला गाड़ी, ठीक है। और इसी तरह एग्जांपल में हम कह सकते हैं जैसे कि लंबरी काठा, सरकार द्वारा प्रमाणित माप होता है, गोड़े भंदई, गोड़मा भंदई कहता है, हाटे बाजार, और इसी प्रकार घरे द्वारी है, ठीक है ना, मामरबाड़ी, मामरबाड़ी मतलब कि मामा का बाड़ी, मतलब मामा जी का घर, ठीक है। घोड़ा गाड़ी, घोड़ार कहते तो घोड़ा गाड़ी, यहाँ हम चाहकर भी कारक रचना के लुप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसे अलुक समास कहा जाता है। चूंकि अलुक और नन्य समास में कारक विभक्ति पाई जाती है, इसलिए इस दो पृथक समास को तत्पुरुष के अंदर स्थान दिया गया है, परंतु कभी भी यह समास तत्पुरुष में गिना नहीं जाएगा। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण करके केवल 6 तत्पुरुष समास होते हैं, जो क्रमशः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तत्पुरुष होंगे। लेकिन कारक रचना को जैसे नकारात्मक उपसर्ग से निर्मित नन्य समास और जिसमें कारक रचना छुप ना सके अलुक समास, दोनों को क्रमशः नन्य तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष भी कहा जाता है। लास्ट वन हमारे लिए आता है बहुव्रीही समास। जिस समास में प्रथम और द्वितीय शब्द पद के द्वारा किसी अन्य पद की प्रधानता हो, जिस समास में प्रथम और द्वितीय शब्द पद मिलकर किसी अन्य समास की प्रधानता बताएं, अन्य शब्द पद की प्रधानता बताएं, तो वहाँ होता है बहुव्रीही समास। एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं कि एग्जांपल के तौर पर हम कैसे कहेंगे। जिस समास में प्रथम शब्द पद अव्यय प्रधान है वो है अव्ययीभाव समास,
क्रिया विशेषण और संबंध सूचक वाले शब्दों के प्रयोग वहाँ उदाहरण के तौर पर लिए जाएंगे। जिस समास का पहला शब्द है संख्यावाची प्रधान और समस्त पद किसी समूह को बताएगा वहाँ होगा द्विगु समास, जहाँ कहीं ना कहीं संख्यावाची विशेषण वाले शब्द देखने को मिलेंगे। जिस समास में दोनों पद की समान प्रधानता होगी, कभी दो या तीन शब्द पद से मिलकर बना हुआ, कभी चार शब्द पद से मिलकर बना हुआ विपरीत लिंग वाले, विपरीत शब्द वाले, हमेशा जोड़े में आने वाले शब्दों की प्रधानता, दोनों पद प्रधान होकर द्वंद्व समास बनाते हैं। जिस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द पद की विशेषता बताए, कभी विशेषण विशेष होकर, कभी उपमेय उपमान होकर और कभी रूपक अलंकार वाले शब्द होकर गुणवाचक विशेष प्रधानता वाला कर्मधारय समास बनाता है। जहाँ पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द पद के अर्थ को सुनिश्चित किया जाए और समस्त पद में कारक विभक्तियाँ लुप्त हों, लेकिन कारक रचना प्राप्ति होने वाले समास जब विग्रह के समय पाए जाएंगे तो यहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। लेकिन इन सारी खूबियों के बावजूद जहाँ प्रथम शब्द पद के द्वारा द्वितीय शब्द पद की विशेषता बताकर या प्रथम शब्द पद और द्वितीय शब्द पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता बताएं, जहाँ ना तो प्रथम शब्द पद ना द्वितीय शब्द पद बल्कि तृतीय शब्द पद की प्रधानता हो, वहाँ बहुव्रीही समास होता है। ये एक यूनिक पर्सनैलिटी हो सकते हैं, अद्वितीय व्यक्तित्व, किसी को दी गई उपाधि, कोई देवत्व, कोई प्राकृतिक स्थान या विशेष पहचान वाले शब्द ही होंगे जहां बहुव्रीही समास का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जिस समासिक शब्द रचना में दोनों शब्द पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की विशेषता बताएं वहां बहुव्रीही समास होता है, और ये बहुव्रीही समास संख्यावाची प्रधानता होकर किसी अन्य की पहचान बता दे तो संख्या बहुव्रीही बन जाता है। इक्वल वर्ड्स का रिपीटेशन बताकर किसी अन्य पद की पहचान बताएं तो व्यतिहार बहुव्रीही हो जाता है। कारक रचना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताएं तो समानाधिकरण और व्यधिकरण बहुव्रीही समास हो जाता है। उपसर्ग का प्रयोग करके किसी अन्य पद की पहचान बताएं तो सह बहुव्रीही होता है, और कभी कभी मध्य का पद लुप्त होता है जहां कर्मधारय की तरह विशेषण विशेष हर खूबी होकर भी यह शब्द अगर किसी तीसरे की पहचान बताए तो बहुव्रीही समास में गिना जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें, जैसे कि दुख हरैया दुख ला हरे वाला, ये परमेश्वर होते हैं। इसी तरह दस मुड़िया कहा, दस है मुड़ी जेकर, अर्थात रावण होता है। चंद्रशेखर शिखर में चंद्रमा है जेकर कहकर हमारे लिए शिवजी हुए। वीणा पानी अगर कहता है, वीणा पानी यदि हम कहते हैं तो वीणा है हाथ में जेकर कहते हैं तो सरस्वती हुई। इसी तरह मुरली वाला मुरली ला बजाए वाला या मुरली धारी बंसी धारी कहते हैं तो कृष्ण हो गए। धनुर्धारी कहते हैं तो अर्जुन या रामचंद्र जी हो गए। इसी तरह त्रिलोकी तीन लोक में राज है जेकर कहकर त्रिलोकी हो गया। और इसी तरह देखा जाए तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, जैसे कि खुड़ बेटा सौतेला बेटा को कहा जाता है, ठीक है। और इसी बहुव्रीही समास में जब कुल तारक बोला तो कुल ला तारे वाला मतलब कि सपूत हो गया। ओंगन तेल बैलगाड़ी के चक्के में लगाए जाने वाला तेल ओंगन तेल हो गया। छेवारे लाड़ू सारे लड्डुओं से ये पृथक होती जो प्रसूता महिलाओं को खिलाई जाती है सुठौरा कहते हैं। इसी प्रकार माटी पूत किसान को संबोधित होता है। लबडेना मतलब वो छोटी लकड़ी जो किसी फल को तोड़ने के लिए फेंका जाता है। इसी प्रकार जब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं जहाँ पर मध्यम पद है तो सब देखैया पार ले गैया दुख हरैया मुरली धारी त्रिलोचन दुगोड़िया कभी कभी तीतरा और तीतरी मतलब तीन बेटी के बाद जन्म लेने वाला लड़का तीतरा और तीन बेटे के बाद जन्म लेने वाली लड़की तीतरी कहलाती है। साथ में घर रखा छिपकली को कहा जाता है। और डोम गाड़ा मतलब गाड़ा जाति का एक फिरका जो गाय काटता है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं जरमूहा, जरमूहा मतलब कि जलन वाली बात को कहने वाला
का व्यक्ति होता है, एकांगो जो एक ही तरफ अपने एक तरफा बात को खींचता है, नौ गजी मतलब नौ गज की सारी होती है, सतहत्थी पचहत्थी पांच हाथ की सारी, सात हाथ की धोती कहता है, इसी तरह सात माह में जन्म लेने वाले लड़के को सतमसा और आठ माह में जन्म लेने वाले बच्चे को अठमसा कहते हैं और ये संख्या के अनुसार किसी विशेष की पहचान देते हैं। साथ में हम यहाँ और एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम कह सकते हैं निर्दयी, अगर हम कहते हैं निर्दयी, अब आप कहेंगे कि निर्दयी में खासियत क्या है, तो निर्दयी यहाँ पर एक नकारात्मक उपसर्ग है निर, जिसमें दया के अभाव या कमी है, लेकिन हर कोई निर्दयी नहीं होता। इसी तरह निर्मोही कहता है तो जेला मोह नहीं है, मतलब कि हर व्यक्ति निर्मोही निर्दयी निर्लज्ज निसंतान नहीं होता, मतलब कि एक नेगेटिव प्रिफिक्स होकर नेगेटिव वर्ड्स बनाकर भी ये किसी अन्य पद की पहचान बता रहा है। इसलिए नन्य समास के कुछ उदाहरण जहां किसी यूनिक थिंग्स की ओर इशारा करे तो वहां होता है हमारे लिए बहुव्रीही समास। जैसे कि एक वर्ड है, जैसे कि मनी मन कहता है, यहां हाइफन है, ठीक है, जैसे कि रातों रात कहते तो एक अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति है। उसी तरह यदि वो कहता है जैसे कि चुमिक चुमा, जैसे कि मारिक मारा कहता है, ठीक है, जैसे कि पटकिक पटका कहता है, तो कहीं ना कहीं एक अव्यय शब्द का रिपीटेशन यहाँ भी है, अव्यय शब्द का रिपीटेशन यहाँ भी है। इन सबसे एक एग्जांपल, जैसे हमने जैसे हाइफन वाला रात दिन, इसी प्रकार हम कहते हैं दई ददा, तो देखने वाली बात है कि तीन अलग अलग उदाहरण हैं और तीनों उदाहरणों में एक चीज़ कॉमन है, विच वन इज़ हाइफन, कि टू इक्वल वर्ड्स रिपीटेशन विथ हाइफन, टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग विथ हाइफन, और यहाँ भी इक्वल वर्ड्स इसके जैसे रिपीटेशन कर रहा है, लेकिन रात और दिन कहकर ये हमारे लिए द्वंद्व समास बन गया। अब रातों रात मन ही मन कहता तो मन ही मन रात ही रात कहता है, लेकिन चुमिक चुमा मारिक मारा पटकी पकड़ गिव एंड टेक का रिलेशन बताता है, परस्पर चूमना परस्पर मारना परस्पर पटकना मतलब व्यवहार में लेन देने की प्रक्रिया वाला संबंध बताता है, तो मारिक मारा धरिक धरा पटकिक पटका केशा केशी बोझा बोझी मुष्टा मुष्टी कहता है, ढकेलिक ढकेला कहता है, हाथिक हाथा कहता है, कोचा कोची कहता है, इसी प्रकार केशा केशी हुरसिक हुरसा कहता है, एक दूसरे को प्रोवोक करना, पेलिक पेला मतलब एक दूसरे को धकेलना, हेरिक हेरा मतलब कि निकालते ही निकालना एक दूसरे को, और इसी प्रकार हम कह सकते हैं रटारट तड़ातड़ जो हम मारते हैं, तना तनी दना दन भका भकी, ये व्यतिहार बहुव्रीही समास कहलाने लगता है। और इसी तरह जहां दोनों पदों के मध्य एक कारक विभक्ति है और समान अधिकार है तो समानाधिकरण हुआ, दोनों पदों के बीच अलग अलग विभक्ति है फिर भी तीसरे की पहचान बता रहे तो वो व्यधिकरण बहुव्रीही हुआ। संख्या जैसे कि दस मुड़िया पचहत्ती नौ गज्जी कहता है, तीतरा तीतरी कहता है, त्रिपुंड कहता है, त्रिलोकी कहता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाते हैं संख्या बहुव्रीही। ठीक है, जो यहाँ पर उपसर्ग के तौर पर निर्मित है नकारात्मक उपसर्ग है, तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी में उपसर्ग को संस्कृत की तरह प्रादि भी कहा जाता है, तो यहाँ पर प्रादि बहुव्रीही मतलब कि उपसर्ग से निर्मित एक नकारात्मक शब्द बना रहा है जो किसी तीसरे की पहचान बता रहा है, तो प्रादि बहुव्रीही समास भी कहलाता है। और इस तरह हम यहाँ कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मरी कटान जहाँ मरे हुए मवेशियों को काटा जाता है, जैसे कि बुधिया जो हमेशा की बुद्धि से चलता है, पर लोखिया स्वार्थी होता है जो दूसरे का खाने के बारे में सोचता है, इसी प्रकार माफी खैराती दान में मिली हुई कोई वस्तु, खुड़बाप या खुड़बेटा सौतेला बाप या सौतेला बेटा होता है, हथ छोर मतलब हमेशा मारपीट करने वाला, मुंह डोलना मतलब कि हकला को कहते हैं, पर गोत्री हमेशा लड़की को कहा जाता है। और इसी तरह हम यहाँ पर कुल तारक के तौर पर सपूत को भी ले सकते हैं, देहगिरी वह महिला जो हमेशा दूसरों के ऊपर गिर पड़ती है, कहीं एग्जाम्पल के तौर पर देखा जैसे माफी खिदमती शूद्रों को सेवा के बदले दी जाने वाली जमीन को माफी खिदमती कहते हैं, दुजबर दूजा ब्याह करने वाला वर, विषधर सर्प को कहा जाता है, मृत्युंजय शंकर को कहा जाता है, और इसी तरह मुँहछोर रणछोर कह सकते हैं, हिंगल बेटे दुर्गा जनेऊ विवाह के समय जो जनेऊ धारण किया जाता है उसे दुर्गा जनेऊ कहते हैं, ठीक है, नेरकास मतलब
जबकि अशुद्धि मिला हुआ कांसा नेर कांस कहलाता है। पकौनी पानी फसल को पकाने के लिए दी जाने वाले पानी, और रोचन पानी मतलब कि भोजन के पश्चात या विवाह के समय वर और वधु के पद प्रक्षालन के लिए जो जल दिया जाता है उसे रोचन पानी कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि जिस समासिक पद रचना में कारक रचना भी हो, संख्या भी हो, अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति भी हो, साथ में वो हमारे लिए विशेषण विशेष, जैसे लंबोदर लंबा है, उदर जेकर, ठीक है, इसी प्रकार हम कहें, तो ऐसे शब्द जहां प्रथम शब्द पद द्वितीय शब्द पद के साथ मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता बताए वहां बहुव्रीही समास होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार हैं, तो आप लिख सकते हैं कि द्वंद्व समास के तीन प्रकार हैं, इतर इतर, समाहार और वैकल्पिक। लेकिन कभी भी विग्रह करते समय आवश्यकता नहीं है कि वहाँ पर मेंशन ही किया जाए कि ये इतर इतर है या समाहार है या वैकल्पिक है। क्यों? क्योंकि जैसे सुख दुख, हमारे द्वारा विग्रह में सुख और दुख भी लिखा जाता है, हम सुख तथा दुख भी लिखते हैं, कभी कभी ऑप्शन में सुख या दुख लिखते हैं, ये आपका एक नंबर को मिस करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि द्वंद्व समास को और बहुव्रीही समास को केवल नाम लिखा जाए। आप स्पेशली मेंशन, अगर आपको पूछता है कि मारिक मारा में कौन सा समास है, अगर वो उसके अंदर ऑप्शन देता है, जैसे कि वो तत्पुरुष में देता है कि कर्म है, करण है, संप्रदान है या द्वितीय तृतीय चतुर्थी, इस सिचुएशन में आप वहाँ पर स्पेशली मेंशन करेंगे। अदरवाइज अगर आप तत्पुरुष लिख देते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर कि गरुआ कोठा में कौन सा समास है, आप सिर्फ वहाँ पर लिख दे तत्पुरुष तो भी नंबर मिलेगा। लेकिन यही ऑप्शन कहता है द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तब आप चतुर्थी लिखेंगे, और अगर यही कहता है कर्म करण संप्रदान अपदान, तब आप संप्रदान लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये कहता है कि गरुआ कोठा में समास पहचानिए, तब आप वहां पर लिखेंगे गरुआ बरकोठा अर्थात तत्पुरुष समास। वैसे ही सिचुएशन आपकी बहुव्रीही में भी है कि इसके अंदर बहुव्रीही में जो मैंने आपको छह प्रकार बताए, समानाधिकरण जिसमें एक कारक रचना पर दोनों पदों का समान अधिकार होगा, व्यधिकरण जहां दोनों पदों में अलग अलग कारक विभक्ति होगी लेकिन फिर भी दोनों उदाहरण किसी अन्य की पहचान बताएंगे तो बहुव्रीही हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची है लेकिन किसी अन्य की पहचान बताए, जैसे दस मुड़िया, उसी प्रकार दुगोड़िया, इसी प्रकार कह सकता है पंजाब, छत्तीसगढ़, तो ये संख्या होकर भी किसी अन्य की पहचान बता रहा है तो द्विगु से ये चला जाएगा बहुव्रीही में। इसी तरह नकारात्मक उपसर्ग होकर किसी अन्य की पहचान बता रहा तो प्रादी बहुव्रीही हो जाएगा। एक अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति योजक के साथ है लेकिन अन्य पद की पहचान बता रहा है तो व्यतिहार बहुव्रीही हो जाएगा, जैसे कि सपरिवार, सचेत, सजग। अगर कहता है मई पिल्ला कहता है तो मई पिल्ला सहित परिवार के सहित, है ना, सपुत्र पुत्र के साथ में अगर कहता है तो वहाँ सह बहुव्रीही समास हो जाएगा, जहाँ पर सपत्निक मतलब पत्नी के साथ, सचेत मतलब चैतन्य अवस्था के साथ, और सजग मतलब कि सजग अवस्था के साथ, तो सह बहुव्रीही समास हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो एग्जांपल लेता है जैसे कि लंबोदर, जैसे कि गजानन, चंद्रमुखी कहता है तो चंद्रमा के समान मुख है जेकर, गज के समान आनन है जेकर, लंबा है उदर जेकर, अगर कहता है तो सब हमारे लिए मध्यम पद लोपी बहुव्रीही समास हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सारी खूबियां होकर संख्या, कारक, पुनरावृत्ति, योजक, विशेषण विशेष्य, हर खूबी होकर यदि प्रथम और द्वितीय शब्द पद किसी अन्य पद की विशेषता बताएं तो वहां पर बहुव्रीही समास होता है। और इस तरह मेरे द्वारा आपको छत्तीसगढ़ी व्याकरण में पूरा व्याकरण खंड साहित्य के कुछ पक्षों को लेकर बताया गया। और यहाँ अब आने वाले जो प्रश्न पत्र हैं, अब यहाँ से छत्तीसगढ़ी में संधि की भी चीज़ें जो जोड़ी गई हैं, तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी की संधि ही छत्तीसगढ़ी में भी पढ़ी जाती है। यहाँ पर हम अल्पप्राण को महाप्राण कर देते हैं, महाप्राण को अल्पप्राण करते हैं, तो यदि हम छत्तीसगढ़ी में संधि की बात करें तो छत्तीसगढ़ी में संधि नहीं होती, यह थोड़ा सा हिंदी से प्रभावित माना जाता है क्योंकि कभी भी हिंदी में भी संधि नहीं होती। हिंदी की संधि
विधि के अनुसार हम यहाँ अल्प प्राण को महाप्राण बनाते हैं और महाप्राण को अल्प प्राण बनाते हैं। तो जब आप संधि की बात करेंगे छत्तीसगढ़ी में, तो यहाँ पर जैसे कि हिंदी में नाक कटा में से एक वर्ण गायब हो जाता है, जैसे नाक कटा से नकटा हो जाता है, यहाँ ही से यहीं हो जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में जब हम मन कहते हैं तो दोनों जुड़कर हम मन बन जाता है और वो हो जाता है हमन, तुम मन से बन जाता है तू मन। जब इस्तेमाल के तौर पर हम देख रहे हैं जैसे कि त और ह मिलकर थ होता है, जो मैंने आपको टेंस में बताया कि जात हस कहता है तब यह हमारे लिए जाथस बन जाता है, ठीक है। मैं ही से मिलकर मही बन जाता है, तुम ही से तही बन जाता है, और इसी तरह मैं हूँ कहता है तो यहाँ हमारे लिए महू हो जाता है। मतलब ये जो ही है तो मैं ही, तो यहाँ पर मैं ही चल देता हूँ, तुम ही चले जाओ, और मैं हूँ मतलब महू मतलब यहाँ पर मैं भी जाऊँगा का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह छत्तीसगढ़ी में हिंदी की तरह हम जो संस्कृत से लेकर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़े थे, उसी उदाहरणों को छत्तीसगढ़ी में भी लिया जाएगा। जैसे कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय स्वर संधि। जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगत धन ईश बराबर जगदीश व्यंजन संधि। और निर्झर में कौन सी संधि है, तो नी धन झर बराबर निर्झर विसर्ग संधि लिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ी में हिंदी को फॉलो करके हम देखें तो अल्प प्राण को महाप्राण, जैसे दूध वाला से दूध वाला, नाक कटा से नकटा, अब ही से अभी, यहाँ ही से यहीं, सब ही से सभी बन जाता है, और ताख पर ताक पर बन जाता है, पानी घाट से पनघट, लेना देना से लेन देन, मिलना जुलना से मेल जोल हो जाता है, एक तारा हो जाती है, एक तार से बना हुआ यंत्र, उत्तरखंड से उत्तराखंड हो जाता है, और हाथ कड़ी से हथ कड़ी हो जाता है, पानी घाट से पनघट बन जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ी में हम मन से हमन, तुम मन से तुमन हो जाता है। तब मूल क्रिया के धातु में जुड़ने वाला जब ह जैसे सहायक क्रिया से जुड़ता तो दोनों मिलकर था हो जाता है, दैट्स व्हाई हम जात हूँ करत हूँ पढ़त है। तो जैसे ही मात्रा, जैसे हाँ है तो थाँ हो जाएगा, हे है तो थे हो जाएगा, और हस है तो थस बन जाएगा। इसी तरह मैं ही से मही बन जाएगा, ए ही चल दे मैंने मतलब यही चला जाए, ओही कर ली ही वही कर लेगा, महू जाऊँ मतलब मैं भी जाऊँगा, तहूँ जाबे तू भी जाएगा, और इस तरह चीज़ें यहाँ पर पूरी होती। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी के अंतर कुछ शब्दकोश से प्रशासनिक शब्द और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पूछा जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर शरीर के अंगों के नाम, खाने पीने की चीज़ें, दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाले शब्द जो तत्व हैं, इसी प्रकार फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम, ठीक है, कुछ वर्ब के फॉर्म होते हैं, कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के अंदर किस शब्द को क्या कहा जाता है, दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाले शब्द, खान पान की चीजें, हर प्रकार के संज्ञा शब्दों का एक नाम छत्तीसगढ़ी में होता है। दूसरा कि इन्हीं सामान्य से शब्दों का यदि प्रशासन अपने नियमों में प्रयोग करता है तो प्रशासन के मद्देनजर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें प्रशासनिक शब्द कहा जाता है। और ये दोनों चीजें आपको छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रशासनिक शब्दों का और छत्तीसगढ़ी शब्द कोश का एक जो बीजहा जो छत्तीसगढ़ शासन ने तैयार करके रखा हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे कंपटीशन कम्युनिटी के जो एक आपका ऑनलाइन बुक वाला जो प्रोग्राम है उसमें जाकर आप इस छत्तीसगढ़ी शब्दकोश और प्रशासनिक शब्दावली को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह छत्तीसगढ़ी भाषा के दो पक्ष, जिसमें साहित्य खंड, जिसमें भाषा परिवार, साहित्य के कुछ चीज़ें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे द्वारा आपको एक्सप्लेन किया, साथ में व्याकरण का पूरा हिस्सा मैंने एक्सप्लेन किया, इसके अलावा हम हिंदी के भी वीडियोस पर काम जो है वो कर चुके हैं, और इसी तरह आने वाले समय में हमारे द्वारा और अन्य चीज़ों पर भी कार्य किया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा।